वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा, आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। दूसरे दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारा हमेशा बरकरार रहे। हम लोगों को ये जो आज़ादी मिली है, ये इतने आसानी से आज़ादी नहीं मिले, वो आज़ादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसको दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी, फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया। वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन आज भी अशिक्षितता के अभाव में, अशिक्षितता के कारण हम इस आज़ादी को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं। जितना देश को आगे जाना चाहिए, अभी भी देश को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अभी हमारे को, हमको लड़ना है अशिक्षितता से। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो कभी आगे नहीं जा पाएंगे, हमारा देश का नाम उतना आगे नहीं जा पाएगा जितना हमें जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में आपको वो कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई अंग्रेजों से लड़ना, अभी आपको लड़ना है अंधविश्वास से, अभी आपको लड़ना है ऊंच नीच से, अभी आपको लड़ना है क्षेत्रवाद से कि तुम दक्षिण भारत को, हम उत्तर भारत के, तुम बिहारी, हम ये हम वो, मतलब ये सब चीजों से अभी लड़ना है। अभी लड़ना है अंधविश्वास से, जाति धर्म ऊंच नीच, इन सारे चीजों से लड़के हमें एक होना है। और यह जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाएगी कि हमने अपने जाति धर्म सब बाद में, पहले हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, यह भावना जिस दिन आ जाएगी, उस दिन हमें सच्चे मायने में आजादी मिल जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने को। हमें अपने देश को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विकसित श्रेणी में लेके आगे जाना है। यह केवल हम तभी ले जा सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। नई शिक्षा प्रणाली भी इसी ओर में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग आजादी के बाद हर मोड़ को देखा, ऐसा नहीं कि केवल विकास देखा या केवल मतलब विकासहीन देखा। हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन था उसने देश ने काफ़ी तरक्किया भी की। हमने कई सारे युद्ध भी देखे, उस कई युद्धों में हमने ऐसी जीत दर्ज की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। 71 की लड़ाई में जब 93,000 फौजियों को हमने घुटना टिका दिया था, लेकिन वही युद्ध में हम लोगों ने देखा कि 62 में कैसे हमने मतलब संसाधनों के अभाव में हम लोगों ने उतना अच्छा काम नहीं कर सका। लेकिन उसी 62 के बाद 5 साल बाद हम लोगों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिए थे। उसी मुंह तोड़ जवाब का आपको नमूना दिखाते हैं। वुहान में चाइना के एक स्लीपिंग बुद्धा, काफी मंदिर प्रसिद्ध है महात्मा बुद्ध का, वहां पर भारतीय राजनयिक जो दूतावास थे, कॉन्सुलेट में काम करते थे, उनका नाम था कृष्णन रघुनाथन। ये 4 जून 1967 को यहां से जा रहे थे, तो इन्होंने अपनी गाड़ी को रोककर इस महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के तथा मंदिरों के अवशेष का फोटो लेने लगे थे। ये एरिया मिलिट्री वाला एक छावनी का एरिया था। अभी ये फोटो ले ही रहे थे कि
चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है पीएलए ने इन्हें आकर गिरफ्तार कर लिया। ये समझाते रह गए कि हम फोटो यहाँ की मिलिट्री बेस का नहीं ले रहे थे, बल्कि हम यहाँ महात्मा बुद्ध की फोटो ले रहे थे, और महात्मा बुद्ध का भारत से तो कितना लगाव है, हमने ही पूरी दुनिया को बुद्ध दिया, हमने चीन को बुद्ध दिया, बदले में उसने हमें युद्ध दे दिया था। तो हम लोग महात्मा बुद्ध की फोटो को आज भी इज्जत से देखते हैं लोग, तो ये फोटो ले रहे थे। लेकिन चाइनीज पीएलए वालों ने इनकी बात को नहीं सुनी और उन लोगों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, इन पर जासूसी का आरोप लगाया, और जासूसी के आरोप लगाने के बाद इन्हें पूरी जनता के सामने बेइज्जत करने के लिए 15,000 लोगों के आगे इन्हें मुकदमा चलाया गया, और इन्हें जासूसी का आरोप लगाकर इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया कि अवांछनीय व्यक्ति इसे देश से निकालिए। और अगले दिन मतलब ये मुकदमा चलने के बाद 13 जून को इन्हें पूरी तरह एयरपोर्ट पर घसीटते हुए लाया गया, इतना घसीटा गया था कि इनके पैर से जूते निकल गए थे, इन्हें नंगे पांव घसीटा गया। चाइना के जो रेड गार्ड्स थे इन्हें लात घूंसा मारा, इनके ऊपर थूका था, उसके बाद पूरे सरेआम फोटो खींचकर इन्हें भारत में भेजा गया। जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ इनके स्वागत के लिए भी खड़ी थी, और साथ ही साथ इस विरोध को भी दर्शाने के लिए खड़ी थी कि हमें भी चाइनीज को उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। भारत ने भी अगले दिन 14 जून को चीनी राजनयिकों को पकड़ लिया और उन पर भी जासूसी का सेम मुकदमा ठोक दिया, और उन लोगों भी चिल्लाते रह गए कि हम जासूसी नहीं कर रहे हैं। भारत ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन भारतीयों के अंदर यह गुस्सा आग बबूला था। उस समय विपक्ष के दबाव में तथा जान भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना ने इस चीनी कॉन्सुलेट जो दिल्ली में थी उसे पूरी तरह से घेर लिया और वहां के खिड़कियों को पत्थर से तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिया, आग लगा दिया गया चीनी झंडों में, और वहां बहुत से चीनियों को पकड़ के कूच दिया गया थुथुर इनका, तो उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, और इनको बता दिया गया कि हमारे जो चीन में बैठे हैं हमारे जो राजनयिक उन पर अगर तुम कुछ भी करोगे तो यहां तुम्हारे जो राजनयिक दिल्ली में बैठे हैं वो बचकर नहीं जाएंगे। भारत के इस घटना ने जो दिल्ली में उनके राजनयिकों पर हमला किया था इससे चाइना आग बबूला हो गया, और चाइना को लगा कि वो बहुत बड़ा पावरफुल है, उसने भारतीय राजदूतावास जो थी वहां पर उसको घेर लिया, और उसके अंदर 63 भारतीय महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे, उन सबों को परिवार के साथ घेर लिया, और चीन की जो रेड गार्ड्स थी पूरी तरह से घेर ली। चीन के लोग भी यहां पर तोड़फोड़ करने लगे, यहां के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए, यहां पर भी थोड़े बहुत आगजनी किए गए, लेकिन यहां चीन ने वो चाल किया कि यहां पर सप्लाई लाइन रोक दी गई, जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जरूरी नाश्ता खाना दूध पानी ये सब को भी सप्लाई रोक दिया गया। और हद तो तब हो गई जब वहां पर अमेरिका ब्रिटेन जापान जैसे देशों के भी दूतावास थे, उन लोग भी क्या किए कि अपनी मदद से भेजे कि उस सामान के अंदर जो लोग हैं वो लोग भी कुछ खा पी ले, तो ये जो रेड गार्ड थे वो उनको भी ले जाने से मना कर दिया, नहीं अंदर कोई नहीं जाएगा ना कोई निकलेगा। और उस दूतावास में जो चीन के लोग काम करते थे जो वहां पे वर्कर थे उनको चीन वालों ने कहा कि तुम कोई अंदर काम करने नहीं जाएगा, पूरी तरह से इसका घेराबंदी कर लिया गया। चाइनीजों को लगता था कि इससे भारतीय डर जाएंगे। जैसे ही ये खबर भारतीय मीडिया में आई उस समय भारतीय मीडिया ने इस खबर को बहुत ही तरजीह दी, भारतीयों का गुस्सा और भयानक चढ़ गया, और भारत सरकार ने भी उस समय जनसंघ पार्टी थी उसने भी कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार ने अपने सुरक्षा बलों को कह दिया कि दिल्ली में जो चीन का दूतावास है उसे भी घेर लीजिए, उसमें भी कहीं विदेश से खाना नहीं जा सकता है, वहां के लोग भी खाना पानी के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, पूरी तरह से सप्लाई बंद कर दी जाएगी, वहां पर भी वहां के जितने लोग हैं उनको कहीं से ना आने जाने कहीं की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, जो जो चीन के बीजिंग में हो रहा है वह सब दिल्ली में किया जाएगा, अगर वहां बंदी बनाए गए हैं तो यहां बंदी बनाएंगे, आप अगर वहां कुछ अत्याचार करते हैं तो उम्मीद रखिए कि यहां उनसे दुन्ना अत्याचार किया जाएगा। यहां चीन एक चाल चलने की कोशिश किया, जो उसके दूतावास थे वहां पर जो लोग बंधक बनाए गए थे वो तो अलग थे, जो हॉस्पिटल में हाथ गोड़ तुरा गया था उन लोग का कूच दिए थे सब भारत वाले, दिल्ली वाले बहुत अच्छा काम किए थे, इस चीज के लिए दिल्ली वालों को सैल्यूट करते हैं कि जब देश की बात आएगी ना तो भाड़ में गया इंसानियत, अगर हमारे देश की इज्जत पे आएगी ना तो थूर देंगे ऐसे ही, तुम चाहे कितनों बड़े के देश के रहो। तो यहां पर दिल्ली वाले ने जो कूचा था वो लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो चीन जो था वहां पर एक स्पेशल कोड भेजा दूतावास भारतीय विदेश मंत्रालय को कि हमारा एक विमान जो है वो इस रास्ते से जाएगा, और जो थुरा कुछ आ गए हैं सब वहां पर छोटका छोटका चीनिया सब उनको भर भर के ले आएगा। तो भारत सरकार ने ओपन बिना कोडलेस के संदेश भेज दिया, देखिए जो विदेश में राजदूतों से बात होती है वो कोड में बात होती है, वो सीक्रेट कोड होते हैं, उस चीज को हम यहां नहीं बता सकते हैं आप लोग को, वो चीजें वो कोड होती है, दूसरा कोई उसको मतलब डीकोड नहीं करता है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओपन बोल दिया कि कोई भी जहाज को चीनी जहाज को भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा, और हिंदुस्तानियों की उस समय हिम्मत की तो सैल्यूट करनी पड़ेगी जब हिंदुस्तानी एयरफोर्स को यह आदेश दिया गया कि इस रास्ते से अगर कोई भी चाइनी जहाज गुजरता है, एक्चुअली उस समय तो यह
पूर्वी पाकिस्तान था, ये तो 1971 में हम लोग पूंछ काच के इसको अलग किए, इसका वीडियो बना चुके हैं आप, उसको देखे होंगे कि कैसे हम लोग पाकिस्तानियों को पूछे थे उस समय। 93,000 फौजियों ने हाथ जोड़ के सरेंडर किया था कि मत मारिए हमको, तो यहां से वो लोग घुसना चाहते थे। तो भारतीयों ने एकदम प्लान बना दिया था कि एयरफोर्स को सख्त आदेश था कि कलकत्ता से एयरफोर्स उड़ान भरेगी और चीनी विमानों को इस तरह से घेर लेगी कि उन्हें इलाहाबाद या लखनऊ पर उतरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब एयरफोर्स घेर लेगी तो उतरेंगे क्या नहीं, अगवे जाके जहाज, एयरफोर्स की जहाज तो छोटी होती ना, कलाबाजी करने लगे, अगवा इसे इसे करेगी अपने से उलट जाएगा, हम लोग क्या कहेंगे, डरा के उलट दिया था। तो ये लोग चीनियों को था। दूसरा कि अगर ये लोग ढिठई करेंगे तो भाई हम लोग किसी पे डायरेक्ट हमला भी तो नहीं कर सकते, सिविल एयरपोर्ट है, कोई मान लीजिए कोई लड़ाकू जहाज तो भेजा नहीं था, वो सवारी वाला था। अगर दिल्ली पहुंच भी जाता है तो भारत के पास एक और रास्ते थे कि ससुरा का पेट्रोल नहीं भरने दिया जाएगा, अब ले तो ढकेल के नहीं ना ले जाएगा यहाँ पे। तो ये रास्ते थे, चीनियों को पता चल गया कि भाई साहब ये तो भारत वाला सब एकदम भड़क गया है, 1962 नहीं है ये तो अब तो गड़बड़ कर देगा। तो चीनियों ने डर के मारे जहाजिए नहीं भेजा, उसके पायलट आने से मना कर दिया, नहीं जाएंगे वहाँ, एयरफोर्स तैयार है, हम लोग को इससे लड़ेंगे, हम लोग एयरफोर्स मार देगा सब, इसको दिक्कत हो जाएगा। चीन वाले आए ही नहीं सब। तब चीन को समझ में आ गया कि हम भारत को एक बार धोखा दे सकते हैं, दोबारा धोखा नहीं दे सकते हैं, हम सबको सजग रहना चाहिए, पाकिस्तान और चीन पर भरोसा करना और उनसे दोस्ती रखना मतलब अपने बेडरूम में सांप को सुलाना है, इस साले कब काटेंगे सब किसी को नहीं पता है, ये पैदे इसीलिए हुए हैं सब ताकि इनको धोखा दिया जाए। चीन को उसकी औकात समझ में आ गई कि अब हमारे जो राजदूत जो फंसे हैं सर दिल्ली में, आधा तो हॉस्पिटल में सर, आधा दूतावास में सर। अब भारतीयों का गुस्सा एकदम बढ़ते जा रहा था, तभी खबर आई कि चीन ने भारतीय दूतावास जो चीन में है उसकी जो घेराबंदी की थी उसे हटा दिया गया, खाने पीने की सप्लाई फिर से चालू कर दी गई। तब भारत ने भी यहां क्या किया कि जो उनके राजदूत थे जिन पर जासूसी का आरोप लगा था, तो हमारे कैसे जासूस हमारे दूतावास को पीट पीट के आप लाए थे, हमारे राजदूत को, भारत ने भी उनको घसीटते हुए रोड पर लाया, ऐसी ही भीड़ में लाया, अब फोटो खिंचवा के एयरपोर्ट पर बैठाया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखिए ये चाइना का राजदूत है। और हद तब भारत ने कर दिया जब भारत ये सब होने के बावजूद चीन को स्पष्ट संदेश भेज दिया कि आपको भारत में दूतावास खोलना है तो खोलिए, लेकिन आपकी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी देश की जनता कूच देगी ना तो फिर हम नहीं है, आपका मन है तो रखिए, नहीं मन है तो मत रखिए। चाइना ने 80% लोगों को बुला लिया, हमको तो लगता है ससुरे भाग गए सब डर के मारे काठमांडू के रास्ते से कि दिल्ली वाला कूच देगा सब, एक नंबर काम किया सब दिल्ली वाले। तो आपको क्या लगता है, चीन बहुत शक्तिशाली है, हम लोगों को देखिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, रिस्क नहीं लेना, इतनी औकात नहीं है, हम सब जिस दिन एक खड़े हो जाएंगे ना उस दिन औकात दिखा देंगे चाइना के कि तुम क्या चीज हो। बस चाइना में क्या है कि वहां पे देश बड़ा होता है, वह अंदर वो लोग क्या है ऊंच नीच वहां पे भी है, गरीबी अमीरी जात धर्म वहां भी है, लेकिन वो देश के नाम पर एक हो जाते हैं। हम लोग को क्या है कि भाई साहब हम लोग किसी किसी के क्या है अंधभक्त है और किसी के अंध विरोधी है, मतलब वो कुछ करेगा हम ससुरा का विरोध करेंगे और कुछ ऐसे भी लोग हैं को कुछ भी करेगा तो समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है। जब देश की बात आनी चाहिए तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के लोगों ने जो कूचा था 1967 में वो ठीक किया था कि नहीं, और क्या 2020 में भी गलवान में घुस के कूचना चाहिए कि नहीं कूचना चाहिए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी को कहना चाहिए कि एक बार छूट दे दीजिए गलवान जाने का, ससुरा कूच के आ जाएंगे लोग, एक नंबर रहेगा। 1962 से लेकर आज तक दहल रहा है दिल में, कितना देर आग लेके रखेंगे, ज्वालामुखी जो होता है ना उसको फटना जरूरी होता है, नहीं तो एक दिन बड़ा भयानक विस्फोट कर जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख से लेकर हम सबको साथ खड़े रहना पड़ेगा। और बहुत हम हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद देते हैं जो चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया, तो गवर्नमेंट को इतना मनोबल मिल गया ना कि गवर्नमेंट को एकदम विश्वास हो गया कि नहीं हम अब चाइना से युद्ध भी कर देंगे ना तो पब्लिक हमारे साथ में है। ये चीज बहुत बेहतरीन है, राष्ट्र पहले हमारा राष्ट्र होना चाहिए, पहले हमारा राष्ट्र, बाद में कुछ है हम है, पहले हम हिंदुस्तानी है। और ये भावना रहेगी ना तो चीन को हम लोग 2030 तक उनको बढ़िया से उनका सबक सिखाएंगे, उनका दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर हम लोग बन जाते हैं लोग, और हमारी जमीन को कब्जा करेंगे। जो 1967 में हुआ वो 2020 में भी वही खोज रहा है। आज सुबह ही मोदी जी ने भी कह दिया था कि चीन के कहने पर या किसी विदेशी ताकतों के कहने पर भारत अपनी सड़कों को नहीं रोकेगा, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनाएंगे और हम बनाएंगे। मेन बवाल जो हुआ था सड़क बनाने का ना, देख लो चाइना हमारी सड़कें बनकर रेडी हो गई, झारखंड से लेके गए थे मजदूरों को वहां सड़क बनाने के लिए। यहां पर हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, जब भी देश पर कोई संकट आता है ना तो एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप भी याद कीजिए, गलवान के मुद्दे पर हम गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, पल पल साथ खड़े थे, यहां तक कि युद्ध में भी हम साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कोरोना के मैटर पे हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा अलग हो गए थे। गवर्नमेंट जो लॉकडाउन खोली थी या जो इसमें जो ढील दी, वो गवर्नमेंट को पता था कि हम लोग जो दे रहे हैं इससे कोरोना बढ़ेगा, लेकिन मीडिया ने या फिर पब्लिक ने इतना ना प्रेशर बढ़ा दिया जिसका कोई हद नहीं। ये मानते हैं कि लॉकडाउन से गरीबी बढ़े,
रहेगी, भूखमरी आएगी, बहुत से लोग की जान भी जाएगी, लेकिन इतना तो हम गारंटी लेते हैं कि लॉकडाउन से 40,000 लोग नहीं मरते जो कोरोना से मर गए। अब क्या पता कि कितने अच्छे अच्छे लोग मरे। अब्दुल कलाम जब ट्रेन में अखबार बेचते थे तो आपको पता था क्या कि साइंटिस्ट बन जाएंगे? आपको जब ये नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे तो आपको पता था क्या कि यही नरेंद्र मोदी एक दिन चाइना में गलवान वालों को मुंह में आंख मिला के कहेगा कि वापस जाओ नहीं तो हम नहीं हटेंगे। कुछ भी देखिए, कोई भी व्यक्ति मरता है तो वो कुछ इस देश के लिए वो एक बहुत अभिन्न हिस्सा होता है। तो कोरोना से जितनी जान गई शायद लॉकडाउन से उतना नहीं जाता। लोग इतने लापरवाह हो गए हैं जिसका कोई हद नहीं। जब मार्च अप्रैल का महीना था, कोरोना कुछ भी नहीं था इंडिया में, जब 200-400 मरीज थे तो हम लोग को ज्यादा डर लगता था। आज सोच रहा लाखों में मरीज हो गए, सब 20 लाख के आसपास मरीज हो गए हैं तो हम लोग को डर नहीं, मास्क बिना घूम रहे, गवर्नमेंट प्रेशराइज हो गई है। आप देखिएगा, हम तो 2013 से मोदी जी का भाषण देखते हैं, अब जो भी बातें बोलते हैं, लेकिन इस बार का जो भाषण था या फिर इस बार का तो कुछ भी चीज़ पे कोरोना का ही इफेक्ट था। इनको भी इस बात का टेंशन था कि इकोनॉमी इतनी पीछे चली गई, क्योंकि पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो कोरोना ने हम सब का सपना तोड़ा, इस देश का नहीं सबका, आपकी एक छोटे से दुकानदार से लेकर बड़े से दुकानदार ने हर चीज़ को लॉस किया। ये कोरोना पर भी हम जीतेंगे, क्योंकि स्पष्ट है जब भी कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका समाधान जरूर रहता है। ये गीता में स्पष्ट लिखा है कि आप कितना जल्दी उस समस्या के समाधान को ढूंढ लेते। तो हमारे वैज्ञानिक थे, मोदी जी ने भी कहा है कि वैज्ञानिक जो है दिन रात लगे हुए हैं लेबोरेटरी में, वो भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द इसकी भी वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आती हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, आपके वजह से दूसरे को खतरा हो सकता है। रूस की वैक्सीन कहा जा रहा है कि सक्सेस भी है, उस पर 100% WHO बिलीव नहीं कर रहा है, अगर वो है भी तो हम लोग को 2021 में ही मिल पाएगा, अभी तो बहुत कम चांसेज है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हम वही देश है जहां मास्क नहीं बनता, आज दुनिया में सबसे ज्यादा मास्क हमारे ही यहां बन रहा है। पीपीपी किट, जो पीपीई किट था चाइना से आता था, आज पूरी दुनिया में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान वालों की प्रतिभा पे तो कभी शक नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं ना कि वैक्सीन बन जाएगी तो कहां कितना जल्दी प्रोडक्शन होगा, अरे भारत वाले को दे दीजिए ना, यहां दिन रात मना इतना ना प्रोडक्शन कर देगा सब कि एक्स्ट्रा में वैक्सीन हो जाएगा। तो हम सब यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से जल्दी ये कोरोना जाए, फिर से हमारा देश समृद्ध हो सके। हम अपने देश के बहादुर सिपाहियों को सैल्यूट करते हैं कि इस कोरोना में भी वो लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, हमारे देश के लिए डट कर खड़े रहे थे वो लोग। ये जो हमारे भारत के फौजी हैं, ये असली हीरो हैं। हमें बहुत गुस्सा लगता है जब मूवी में जो एक्टर काम करते हैं उसको लोग हीरो बोलते हैं। अरे वो हीरो नहीं है, वो एक्टर हैं। हाँ, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, समाज के लिए अच्छी मूवियां बनाते हैं, सही है भाई साहब, आप लोग एक्टर हैं। हीरो जो है ना, ये है हीरो, असली हीरो ये है, वो लोग एक्टर और एक्ट्रेस हैं लोग। हीरोइन आप बात करते हैं झांसी की रानी की, जो आप बहादुरी देखे, जब झांसी की रानी जब शहीद हो गई थी तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि जाके उनकी बॉडी को उठा सके, उनको डर लगता था कि ससुरा अगर थोड़ा भी सांसें चल रही होगी तो छोड़ेगी नहीं वहां पे। वो औरत की शक्ल में शेरनी थी, शेरनी वहां पर। ये हमारे देश के असले हीरो हैं, लेकिन आप जो मूवी में देखते हैं ना, उन्हें हीरो नहीं कहिए, वो एक्टर है, हमारे देश के लिए ये सच्चे हीरो हैं। समय समय पर हम अपनी सेना की हर एक जानकारी आपको देते रहते हैं कि सेना कैसे हथियारों का प्रयोग करती है, किस किस चीजों का प्रयोग करते हैं, ताकि आपके अंदर राष्ट्रीय भावना आए और आप भी के अंदर एक सैनिक का जिगर हो सके। सैनिक केवल वो नहीं होता है जिसके पास तैयार हो, मेंटली भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ताकि देश के लिए जब जरूरत पड़े तो आप आगे आ सके, हमारे सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर चल सके, ताकि इस देश के निर्माण में हम सब का योगदान हो और भारत माँ का जो परचम है पूरी दुनिया में ला रहा है और दुनिया याद करे, मिसाल दे कि एक देश का कि वह देश भारत जहां हजारों किस्म की भाषाएं बोली जाती है, 10 रंग के लोग रहते हैं, हर तरह की जलवायु पाई जाती है, ऊंच नीच बड़ा जाति धर्म हर चीज है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एक रहते हैं। आप लोग के मन में एक डाउट है कि जो एप्लीकेशन आ जाएगा ऐप, तो क्या YouTube पे वीडियो नहीं आएंगे? YouTube पर वीडियो आते रहेंगे जैसे आ रहे हैं, ऐप पर भी पढ़ाई होती रहेगी। देखिए, पढ़ाई का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो इस पे भी होते रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि YouTube पे अगर पढ़ाई का टॉपिक डाल दिया जाता है तो कुछ ऐसे भी है सब ससुरा जिनको पढ़ना उड़ने से कोई मतलब नहीं है, वो देख के कहते हैं ये कौन चीज है यहाँ पर, तो भाई ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। तो जो मेन पढ़ाई का चीज है वो इसमें रहेगा। जो YouTube पर वीडियो आते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, वो आते रहेंगे। हमारे मकसद है कि हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के बारे में बताएं, हिंदुस्तान के जो गौरव था, जो इतिहास थी हमारी, उससे रूबरू कराएं। और हमारा यही टारगेट है कि हम अपने YouTube के माध्यम से या ऐप के माध्यम से 130 करोड़ जनता में से कम 10 करोड़ जनता को यह बता सके कि हम वही हिंदुस्तानी है जिसके आगे सिकंदर भी नतमस्तक होकर चला गया था, हम वही हिंदुस्तानी है जो दुनिया को बुद्ध दिए, महावीर स्वामी दिए, हमने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, यही वो धरती है जहां से आर्यभट्ट को दिया गया था, ज्योति
ज्योतिष शास्त्र में हमारा जो देश था वो पूरी दुनिया में सबसे आगे था। तो हम अपनी गौरव को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। देखिए, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने इसे पिया है वो दहाड़ा है, और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। सुनना पड़ेगा आपको। आज शिक्षित व्यक्ति को कोई नहीं दबा सकता है, और शिक्षित व्यक्ति जो होता है ना, उसे कोई किसी तरह के लालसे में भी नहीं डाल सकता। उसके अंदर आप अगर आप शिक्षित रहेंगे ना, तो आपके अंदर से खुद से ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी। जाति, धर्म, मजहब, ये सब चीज भावनाओं में नहीं रहना चाहिए। जब हम लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं या घूमने या काम करने जाते हैं, तो वहाँ हमारी पहचान किस रूप में होती है? केवल और केवल एक हिंदुस्तानी के रूप में। और वहाँ हमें कोई समस्या हो जाए तो कौन बचाने आएगा? कोई धर्म गुरु जाएगा बचाने के लिए कि आ जाओ? वहाँ जब भी बचाने जाएगा तो आपका देश जाएगा, हिंदुस्तान की एम्बेसी बचाएगी, और आपके भी मन में यह भावना रहती है कि हमारा देश हमें बचा लेगा। विदेश में फंसने के बाद आपको धर्म, जाति, ऊंच नीच याद नहीं रहता है, तब केवल याद रहता है कि हिंदुस्तान है हमारा देश। देखिए, बहुत से लोगों का डाउट है कि सर ऐप जब आ जाएंगे तो क्या हम केवल ऐप पर जाके ऑनलाइन पढ़ाएंगे या फिर यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे? देखिए, हम दोनों पे पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलते रहेगा, यूट्यूब में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऐप पर आपका सब्जेक्ट वाइज एकदम सिस्टमेटिक तरह से पढ़ाई चलेगा। और कुछ लड़कों को फी को लेकर टेंशन है, फी का जिस दिन हम रिवील करेंगे उस दिन आप सोच सकते हैं एकदम मिनिमम फी रखा जाएगा। और ऐप के लिए ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है कि हमारा किस देश से कैसा संबंध है, वीटो क्या चीज होता है, हमारा कौन से समिट में भाग लेते हैं अफ्रीकी देशों से, आप देखे होंगे फलस्तीन को लेकर हम लोग जो थे वो इजराइल से संबंध तोड़े हुए थे। इजराइल से हम इसलिए संबंध नहीं रखते थे कि अरब देश वाले नाराज हो जाएंगे, खुद आज अरब वाले इजराइल से दोस्ती बढ़ा लिए हैं। तो हमारा एशिया में क्या संबंध है, मिडिल ईस्ट में क्या है, सेंट्रल एशिया, ये संबंध बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, तो खास करके जरूरी है जो कमीशन लेवल की तैयारी करते हैं, पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये जरूरी है। और डीप नॉलेज जरूरी है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर कहां कौन सा समझौता हुआ, ये इंटरव्यू तक में भी आपका पूछता है। तो ये ऐप पर बहुत जल्दी ये चीज लॉन्च हो जाएंगे, मैप का क्लास स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले, और इंटरनेशनल रिलेशन, बायोलॉजी, पॉलिटी, ये सब चीजें स्टार्ट होंगी। हर 10-10 दिन पे सब्जेक्ट स्टार्ट होते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर यूट्यूब पर ही क्यों नहीं पढ़ा दे रहे हैं? तो देखिए, यूट्यूब पर पढ़ाने के कुछ नियम कानून है कि यूट्यूब पर अगर हम पढ़ाएंगे तो यूट्यूब के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं लेकिन यूट्यूब पर आके नहीं बता सकते, इस पर भी 75 नियम है। ऐप रहता है तो वह हमारे हिसाब से चलता है, उस पर किसी के नियम कानून नहीं रहते। हम आपको खुल कर पढ़ा सकते हैं, आप खुल कर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं थी, इसलिए यूट्यूब पर नहीं आ सके। ऐप पर जाने का एक और कारण था, देखिए हमने देखा कि गाँव के लेवल पर काफ़ी शिक्षा का लेवल नीचे है। अब मान लीजिए हम लोग तो इलाहाबाद से पढ़े, अब बहुत से लड़कों लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं सब जो बहुत लेवल के हैं, और सब लोग नहीं ना जाके पढ़ सकता है इलाहाबाद में या फिर जेएनयू में या कहीं पे, तो उनको भी तो चाहिए उस लेवल की शिक्षा। तो मेरा यही मतलब था कि एक आपको ग्लोबल लेवल का स्टैंडर्ड आपको एकदम मिनिमम फी में आपको पहुंचाया जा सके, इसलिए हम ये दोनों माध्यम से आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमारा यही है कि हम अपने जीवन में कम से कम 10 करोड़ हिंदुस्तानियों का उद्धार कर सके ताकि इस देश को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए हम दोनों प्लेटफॉर्म को चुने। YouTube भी चालू रहेगा और ऐप भी रहेगा, इसमें आप अपनी हर एक डाउट को पूछ सकते हैं। ऐप लॉन्च की घोषणा कभी भी हम आके YouTube पर कर सकते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।